हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जब तक मैं यहाँ से सांप ढूंढ के निकाल दूँ, आप कृपया आपके नेत्रों में बिल्कुल लड़ाई रखिए। आप वीडियो देखते हैं हमारा, धन्यवाद आपका। ऐसे ही देखते रहिए, आपको जानकारी प्राप्त होते रहेगा। आप देखते रहिए बट आप लाइक नहीं कर रहे हो यार, कमेंट्स नहीं कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो यार। तो नीचे जो लाल बटन दिया गया है उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दो, घंटी दिया हो घंटी के ऊपर बटन क्लिक कर दो, बेल आइकन दबा दो एंड वीडियो का आनंद उठाते जाइए और जानकारी प्राप्त करते जाइए। तो चलिए वीडियो में ज्वाइन होते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो वहाँ पर मैं सांप ढूंढ रहा हूँ और उस कचरे के बीच में जहाँ पर अड़चन वगैरह दिया है वहाँ पर एक सांप निकल रहा है। वहीं है, मैं अभी अड़चन निकाल रहा हूँ, देखते कौन सा सांप निकलता है उसके अंदर से। मैं खुद वहाँ पर ढूंढ रहा हूँ और अचानक से मेरा नज़र एक सांप के ऊपर पड़ जाता है एंड वहाँ पर एक स्पेक्टाकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग जो अत्यंत जहरीला सांप है, मेरा ध्यान उसके ऊपर चले जाता है। जैसे ही वो बैग निकालते हैं हमें सांप नज़र आ जाता है, उसका पूंछ पकड़ के जैसे ही हम बाहर निकालते हैं एंड वो एक स्पेक्टाकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तकरीबन 5.5 फुट का था। एंड हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमारे एरिया साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वरना ऐसे सांप अक्सर आपको देखने मिल जाएगा। तो कभी भी आपको सांप आपके एरिया में ज़्यादा हो, आपको कम करना हो, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू आपके एरिया में जो भी गंदगी है, जो सफाई नहीं किया हो, जहाँ पे कचरा ज़्यादा पड़ा हो, आपको वो सब निकालना, क्योंकि उसी के अंदर चूहे पनकते हैं और चूहे के वजह से पीछे पीछे ये सांप आते हैं। तो अगर आपका एरिया क्लीन होगा तो सांप भी आपके पीछे नहीं आएगा, आपके एरिया में नहीं आएगा। जितने आते थे उससे थोड़ा कम हो जाएगा आना, चांसेस बहुत कम हो जाएगा। बट आपका पेरी फेरी आपका एरिया ही ग्रीन लैंड एरिया में हो, ग्रास लैंड एरिया में हो, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे सांप तो आएंगे। बट अगर आपको अवॉइड करना हो, कम करना हो, तो आपके एरिया में जितना स्वच्छता आप रखोगे तो उतना ही सांप भी कम आएगा आपके एरिया में। तो वैसे ये सांप है काफ़ी ज़्यादा जहरीला, तो गाइस देखिए कितना बड़ा है ये सांप और कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत सा है ये सांप। ये सांप जल्दी अंदर नहीं जाना चाहता, शायद इसने कुछ खाया है इसके लिए वो अंदर नहीं जा रहा है, और मेरे बैग में से भी दूसरे सांप का मांस आता होगा इसके लिए इतना इजीली सांप कभी जल्दी अंदर नहीं जाते, दे अवॉइड दूसरे सांप को अवॉइड ही करते हैं। तो वो मेरे बैग में जो दूसरा सांप मैंने डाला था तो उसका स्मेल की वजह से भी कभी कभी सांप अंदर नहीं जाना चाहता है, तो उसी की वजह से ये अभी बाहर नखरे कर रहा है। और उसने मेन चीज़ है कि उसने अभी कुछ खाया भी है, पेट के अंदर उसके कुछ खाना है, उसने शायद चूहा वगैरह खाया होगा, तो वो अभी कोशिश कर रहा है बाहर निकालने का, रिगर्जिटेट करने का कोशिश कर रहा है ताकि उसका वजन कम हो और वो ज़्यादा स्फूर्तीला से थोड़ा भागने का कोशिश कर पाए। बट वही अभी कोशिश कर रहा है निकालने का, बट अच्छी बात है नहीं निकाल रहा है, इतनी ही अच्छी बात है, उसका खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं उसको हम डालने की फिर भी कोशिश करते हैं, बट वो नहीं जा रहा है, तो उससे अच्छा हम यही कोशिश करते हैं कि निकाल रहा है तो अच्छी बात है निकाल दें, सो डैट कि उसको फिर हम अंदर डाल दें। और अगर ये भाई साहब ने अगर अभी रिगर्जिटेट किया तो अच्छी बात है, मेरा बैग भी ख़राब नहीं होगा और वो गंदगी के अंदर भी नहीं रहेगा, तो निकाल दें तो अच्छी ही बात है निकाल दें, नहीं निकालेगा तो और भी अच्छी बात है, उसका खाना वेस्ट नहीं होगा। बट हम वेट करते हैं, अगर निकाल रहा है तो अच्छी बात है, तो थोड़ा हम वेट करते हैं, उसको वैसे ही रखते हैं, देखते हैं भाई साहब निकालते हैं कि नहीं निकालते। भाई साहब इधर उधर देख रहे हैं, जेब लपलपा रहे हैं, बट निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे अब। तो हम चलो उसको वापस से अंदर डालने की कोशिश करते हैं, पैकिंग करते हैं, बट जा ही नहीं रहे भाई साहब अंदर, अब क्या करें। भाई साहब चले जा भाई, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसे मत कर भाई, चलो घुस जाओ अंदर ताकि हम इसको वापस रिलीज भी कर दें वाइल्ड के अंदर। बट भाई जा ही नहीं रहे, नखरे दिखा रहे, क्या करेंगे, थोड़ा रुक लेते हैं और क्या करते हैं, देखते जाते हैं कि नहीं जाते हैं। भाई चले जा, ओ भाई, भाई साहब चले गए, अरे वाह, तालियां तालियां तालियां, अंदर गए। चलो अभी इसको पैकिंग कर देते हैं, पैक करके फिर बाद में अनबॉक्सिंग भी करना है, उसको जंगल में रिलीज़ करना है मेरे मतलब, तो हम अनबॉक्सिंग ही करेंगे। एंड इतने में इसको मैं पैक करते करते बाजू से पड़ोस से एक आंटी ने मुझे कहा, अंटी का धूप कर दीजिए, बत्ती कर दीजिए उस सांप का, उनको बेसिकली पूजा करना था उन सांप का। अच्छी बात है, हमें हर जानवर की तरफ प्रेम होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जितना उनको जीने का हक है उतना ही हमें भी जीने का हक है, यानी हमें जितना हमें जीने का हक है उनको भी उतना ही जीने का हक है। उनको भी दर्द होता है तो उनको भी जीने दीजिए जैसे हम जी रहे हैं, उनके जीने के वजह से अभी हम सुखी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनके ही जहर से काफ़ी मूल्यवान दवाई जैसे कि कैंसर के लिए दवाई बनता है, एंटी वेनम बनता है, पेन किलर्स के लिए दवाई बनता है। तो अच्छा धूप बत्ती, धूप धूप अब तो डाल दिया इसको अंदर, आसान लाइफ हम जी रहे हैं तो उनको भी इतना ही जीने का हक है। जिस तरह आंटी ने हमें पूजा बत्ती उनके यहाँ से तो वैसे ही आप भी सांपों का रेस्पेक्ट, अगर आप पूजा नहीं करते हो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट
कभी भी आपको सांप दिखे ना आप उसे मारिए, वो अपने रास्ते चले जाएगा। और अगर आपके घर के एरिया में है तो हम जैसे लोगों को कॉल कर दीजिए। जय माँ देवता, भूत चुक माफ करना। उधर ही है बात चल रही है, थोड़ा ऐसा भी कर। जय माँ देवता, भूत चुक हो तो माफ करना। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी रिलीज करते हैं माइंड में जाकर। और जैसे ही हम रिलीज करते हैं, भाई साहब ने उगल दिया जो खाना खाना था, भाई साहब ने भी अनबॉक्सिंग कर दिया चूहे का। जैसे अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे वैसे ही सांप ने भी बोला हम भी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो उन्होंने अनबॉक्सिंग किया भाई चूहे बाहर निकाल कर। तो बेचारे ने रिगर्जिटेट कर दिया जो खाना उसने खा लिया था। तो यहाँ भाई साहब ने यॉन करके अपना जॉ फिक्स करके वाइल्ड में फुर करके रवाना हो गए। और इसी के साथ हमने उसे कहा बाय बाय।